नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे। आजकल एक रोग काफी मात्रा में बढ़ चुका है, एक जांच बहुत करवाई जाती है डॉक्टरों के द्वारा, उसका नाम है B12। और B12 जो रोग होता है वो रोग हमारे चरक संहिता जो है आज से हजारों वर्ष पहले उसने भी उस रोग के बारे में काफ़ी लिखा है कि B12 की कमी में हमें क्या-क्या हो सकता है। लेकिन उन्होंने उसका नाम B12 नहीं रखा। जो उन्होंने नाम रखा आज से लगभग 6 साल पहले तक उसी रोग की दवा उसी नाम से बिकती थी, लेकिन अब उस रोग का नाम बदल दिया है और दवाइयाँ जो हैं मार्केट में नई आ गई हैं, काफ़ी महंगी महंगी, और उस रोग के नाम पर पेशेंट को पूरी उम्र मीट खाने की डॉक्टर सलाह देते हैं। अब ये नहीं पता चक्कर क्या है, ये लोग चाहते क्या है। व्यापार के मामले में भारत के जो लोग होते थे उनकी क्वालिटी के लिए जाने जाते थे, क्योंकि वो जिस चीज़ का व्यापार करते थे उसकी क्वालिटी बहुत ही उत्तम होती थी। हालांकि आप वीडियो को पूरा देखना, पूरे प्रूफ के साथ मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आजकल सिस्टम थोड़ा उल्टा हो गया है। जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो ये हमारे यूरोप के देश के जो लोग हैं, ये जो जब कोई भी दवाई बनाते हैं, दवाई बनाने से पहले डॉक्टर को पकड़ते हैं, और फिर जब डॉक्टर उनकी दवाई को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको मोटा कमीशन दिया जाता है, फिर जो है वो मेडिकल स्टोर को पकड़ते हैं। मेडिकल स्टोर से और डॉक्टर की दोनों के बीच में संबंध होते हैं कि दवा लिखूंगा मैं और बेचेगा तू, उनको भी मोटा मुनाफा होता है। और जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा होती थी, जो घरेलू नुस्खों से होती थी या वैद्यों से होती थी, उससे कनेक्शन कट कर दिया जा रहा है रोग का नाम बदल कर। अब B12 की कमी होने पर क्या क्या लक्षण होते हैं वो, और आचार्य चरक द्वारा लिखे गए अम्लपित्त रोग में क्या क्या संबंध है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास जो है ये पुस्तक है जिसका नाम है चरक संहिता। ये देखो, आराम से देखो, जिसका नाम है चरक संहिता। थोड़ा उल्टा दिखेगा क्योंकि मैं फेस कैम से वीडियो बना रहा हूँ। इसके जो शुरुआती अध्याय है उसका पाचन तंत्र के जो रोग हैं उसमें तीसरा रोग बताया गया है, अम्लपित्त, आमाशय की अम्लता। ये देखिए, और इसके जो लक्षण हैं वही सारे लक्षण B12 के होते हैं। बताता हूँ आपको, अभी देखिए, खैर इसको छोड़ दूँ मैं, आपने देख लिया। आप चरक संहिता बाजार से लेके आ सकते हो, उसके पेज नंबर 39 पे पाचन तंत्र के रोग ये अनुवाद किया गया है। मैं पूरी बताता हूँ आपको, डॉक्टर ओम प्रकाश सक्सेना जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं, उनको जो है निडर कवि माना गया है, और जो है इसका देहाती बुक डिपो ये जो है चावड़ी बाजार दिल्ली 6 में जो है इसको बनाया गया है। पूरी डिटेल के साथ आपके साथ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो जो अम्लपित्त होती है उसके जो लक्षण होते हैं, जैसे मुंह का स्वाद बिगड़ना, जी घबराना, थकावट रहना, बिना काम के थक जाना, मुंह में छाले होना, हाथ पैरों में जलन होना, बार बार बुखार होना, बुखार जैसा महसूस होना। और जब आप कई बार क्या होता है, आपको बुखार महसूस होता है और जब आप डॉक्टर को दिखाते हो थर्मामीटर में आपका बुखार नहीं आता है, आंखों में जलन, मुंह सूखना, बार बार प्यास लगना, ठीक है। और जो है थोड़ा इसमें भी देख लेता हूँ मैं, बिना मेहनत किए थक जाना, बेचैनी, घबराहट,
कभी पतले दस्त होना, कभी कब्ज हो जाना, कभी भूख ज़्यादा लगना, कभी भूख बिल्कुल ना लगना, ठीक है। और इसके लिए जो है अतिसार के भी लक्षण होते हैं। यह रोगी को पाचन क्रिया को तहस नहस कर देता है। B12 की कमी में ये सारे लक्षण होते हैं। और जो है अमाशय में वेदना, जलन, क्षोभ बना रहना, कोई भी चीज़ खा पी लेने पर जो है समस्या खड़ी होना, थोड़ी देर के लिए आराम होना दवाइयाँ लेने से, गर्म सांसें निकलना, गले तथा छाती में जलन होना, नीचे गुदा मार्ग में तीखी तीखी जलन महसूस होना, और जो है मुँह से कड़वा कफ युक्त खट्टा पदार्थ निकलना, ये सारे रोग जो हैं B12 की कमी से होते हैं। और ये सारे रोग मंदाग्नि से होते हैं, अम्लपित्त से होते हैं, अमाशय में बढ़ी हुई अम्लपित्त के कारण होते हैं। मेरे पास काफ़ी लोग जो हैं आए हैं, कम से कम 20-25 लोग आए हैं जिनको डॉक्टरों ने बताया है कि आपके अंदर B12 की कमी है और इसको सबसे जल्दी पूर्ति करने के लिए मांस खाना सबसे अच्छा बताया गया, अंडा खाना सबसे अच्छा बताया गया, और कहते हैं कि शाकाहार से ये पूरी नहीं होती। जबकि कोई उनसे पूछने वाला हो, पता नहीं उनको कहाँ से क्या कमीशन मिलता है, क्या बात होती है। मेडिकल बाज़ार में दवा बाद में आती है, उसके पेशेंट पहले तैयार कर लिए जाते हैं, बीमारी का नाम ही बदल देते हैं। ये सारे के सारे रोग लीवर के रोग हैं, आपके यकृत के रोग हैं। यदि आपका यकृत सही है तो आपको विटामिन D, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L जितनी भी होती होंगी कोई कम नहीं होगी। बस आपका भोजन शुद्ध सात्विक और शाकाहारी होना चाहिए। ये मीट वीट खाने का जो प्रोपेगेंडा चलाया गया है, ये सब आपके धर्म के साथ तो खिलवाड़ है ही, आपके पैसे को भी खाने का चक्कर है। सारी उम्र जिस पैसे को जोड़ने के लिए कमाते हो और डॉक्टरों को देते हो, और आपको ऐसा आपके दिमाग में ऐसा बहम ऐसा डर बैठाया जाता है कि आप भागते भागते उनको पैसे देने के लिए चले जाते हो, एक बार भी नहीं सोचते। अब ये B12 का यदि किसी को चक्कर है, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, अब मैं पुस्तक में देख के बताता हूँ आपको, क्या पता कुछ बातें छूट गई हों। सबसे पहले आपको कारण बताता हूँ मैं B12 के कमी होने के कारण। ज़्यादा क्रोध, ज़्यादा शोक, ज़्यादा चिंता, ज़्यादा भय, ज़्यादा परिश्रम, ज़्यादा उपवास, ज़्यादा जले भुने पदार्थों का सेवन, ज़्यादा संभोग, अत्यधिक पैदल चलना, ज़्यादा कड़वे, खट्टे, नमकीन, तीखे, गरम, हल्के, दाहकारक सरसों, अलसी, तिल आदि का तेल का ज़्यादा सेवन करना, मतलब अति होना किसी भी चीज़ की। और हमारे सनातन में काफ़ी एक लोकोक्ति मशहूर है, सुक्ति मशहूर है कि अति सर्वत्र वर्जये। यदि आप बहुत ज़्यादा बोलोगे, बहुत ज़्यादा खाओगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा चुप रहोगे, बहुत ज़्यादा उपवास करोगे तो आपको नुकसान ही होगा, ठीक है। चुप रहोगे आपका हक खा जाएंगे, ज़्यादा खाओगे पेट खराब होगा, ज़्यादा मेहनत करोगे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, और ज़्यादा निठल्ले रहोगे तो शरीर काम करना छोड़ देगा। चलो आगे बात करते हैं। तो ज़्यादा घी, ज़्यादा मांस, मांस के ऊपर देखो ज़्यादा दूर क्या, मछली, बकरी, भेड़ आदि पशुओं का मांस खाने से, ज़्यादा दही, ज़्यादा मट्ठा, ज़्यादा पनीर का सेवन करने से, ज़्यादा शराब का सेवन करने से, ज़्यादा धूम्रपान करने से, ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से मंदाग्नि का रोग होता है। ये हो गया कारण। अब इसके लक्षण मैं आपको बताता हूँ, B12 के लक्षण। अम्लपित्त रोग हो जाने पर जी घबराने लगता है, मुँह का स्वाद कड़वा या मीठा रहना, डकारे आते रहना, गैस बनना, छाती व गले में जलन होना, भोजन का ठीक से न पचना, बिना परिश्रम किए ही थकावट हो जाना, किसी काम में मन न लगना, हाथ पैर व आंखों में जलन, कब्ज, मुंह सूखना, खट्टी डकारे आना, बेचैनी और घबराहट आदि के लक्षण होते हैं। इस रोग में कभी कभार पतले दस्त, अतिसार के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। यह रोग रोगी की पाचन क्रिया को तहस नहस कर देता है। रोगी की शक्तिहीनता का एहसास होता है। अमाशय में वेदना, जलन, क्षोभ बना रहता है। कोई चीज़ खा पी लेने पर या सोडा का बाइकार्ब का प्रयोग करने से थोड़ी देर के लिए आराम होता है, जैसे एंटासिड वगैरह प्रयोग करते हो। अम्लपित्त का प्रभाव शरीर में ऊपर तक तथा नीचे की ओर होता है। ऊपर मुंह से खट्टी डकारें आती हैं, नाक से गर्म गर्म सांसें निकलती हैं, गले तथा छाती में जलन होती है, और नीचे गुदा मार्ग से भी खट्टी तीखी कड़वी दुर्गंध युक्त अधोवायु निकलती है।
मूत्र में जलन होती है तथा मल विसर्जन के समय कड़वी खट्टी दुर्गंध आती है। कह होने पर कड़वा खट्टा और कफ युक्त पित्त निकलता है और धीरे धीरे अमाशय या ग्रहणी में व्रण बन जाता है। जख्म भी हो सकता है, आगे चल के आपको जो है अल्सर हो सकता है पेट में, आंतों में, अमाशय में। मैं बता देता हूँ, आपकी बीट वालों की कमी की वजह से, और बीट वालों की पूर्ति तब होगी जब आपका लीवर ठीक होगा। अमाशय में हुए अल्सर को एलोपैथी के अनुसार गैस्ट्रो अल्सर तथा ग्रहणी में हुए अल्सर को ड्यूडनम अल्सर के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम भी बता दिए चरक संहिता में, लेकिन ये आज का अनुवाद है संस्कृत का। उस टाइम में ये संस्कृत में तैयार की गई थी। अमलपित्त के जीर्ण हो जाने पर जब अल्सर हो जाता है तब रोगी को बहुत कष्ट होता है। कभी कभी तो यह स्थिति बन जाती है कि रोगी के पेट में कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं टिकता है। तुरंत खाओगे और साफ हो जाओगे, तुरंत कह हो जाती है। पुराने अल्सर के रोगियों को पेट का कैंसर होते हुए भी देखा गया है। B12 की कमी में कैंसर भी हो सकती है, और B12 के कैप्सूल के चक्कर में आप अपने पेट में कैंसर और अल्सर भी कर सकते हो। तो B12 के चक्कर को छोड़ के अपने लीवर को ठीक करो, मंदाग्नि को ठीक करो, अपनी अतिसार जो आपके पेट में अम्लपित्त ज़्यादा हो गई है उसको ठीक करो। कोई चक्कर नहीं है B12 का, B12 के नाम पर आपको भटकाया जा रहा है।